नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इग्नू वाला में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम एक सीरीज़ चलाते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराते हैं। उसी सीरीज़ की अगली वीडियो में मैं आज आपको कराने वाला हूं BHIC कोड 114, जिसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक यूरोप का इतिहास 1780 से लेकर 1739 तक। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा, तो ज़्यादा पूछना नहीं है उसके लिए फालतू के क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्या पूछ रहा है हमसे, इटली में फासीवाद के उदय का हमें विश्लेषण करना है। इटली में जो फासीवाद का उदय हुआ था उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो इटली में फासीवाद का उदय क्या था, 20वीं सदी की शुरुआत की, मतलब सन 1900 से स्टार्ट होती है 20वीं सदी, उसके शुरुआत में ही, उसके शुरुआती वर्षों में ही क्या हुआ था, एक जटिल घटना थी इसका उदय, जो कि इसके कुछ प्रमुख कारण भी थे जिन पर हम गौर करेंगे यहाँ पर, जिनको हम देख लेंगे। उनमें प्रमुख कारणों में पहला क्या था हमारा, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध में जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इटली जो है एक मुख्य पार्टी था, एक मुख्य पक्ष था, जिसके कारण और उसकी हार हुई थी और जिसके कारण उस पर कई सारे नकारात्मक प्रभाव पड़े। उनमें से देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव हुआ, इटली के लिए विनाशकारी था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर विनाश देखने को मिला। उनके 6 लाख से अधिक इटली के लोग वहाँ पर मारे गए सेना में, जो सेना में थे, जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, और अर्थव्यवस्था भी क्या हुई, तबाह हो गई। युद्ध के बाद क्या हुआ, इटली में व्यापक तौर पर निराशा छाई। ऑब्वियस सी बात है, जब छोटा सा देश है इटली, वहाँ की आबादी भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नहीं थी, जिसमें से 6 लाख जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था, वो लोग वहाँ पर मारे गए, तो पब्लिक में निराशा होना आम बात है। निराशा के साथ असंतोष भी फैला वहाँ पर, और लोगों को क्या हुआ, सरकार को युद्ध में शामिल होने और युद्ध के बाद की समस्याओं को हल करने में विफल मानने लगे। लोग क्या सोचने लगे कि सरकार एक तो युद्ध में गलत शामिल हुई और ऊपर से वो युद्ध हार गए, गलत पक्ष की तरफ से शामिल हुई, और फिर उसके बाद जो समस्याएं उत्पन्न हुई उनको भी सॉल्व करने में उनको विफल मानने लगे। दूसरा पॉइंट क्या था यहाँ पे हमारा, दूसरा पॉइंट था फांसीवादी आंदोलन की सफलता। दूसरा क्या था, फांसीवादी आंदोलन की सफलता। वहाँ पर एक आंदोलन शुरू हुआ फांसीवादी आंदोलन, वो सफल हो गया, उसके कारण भी ये चीज़ें देखने को मिली। फांसीवादी आंदोलन ने क्या किया, हिंसा और डराने धमकाने की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए तेज़ी से समर्थन हासिल किया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अक्सर ऐसा देखा जाता है, जब जनता में असंतोष होता है, निराशा होती है, तो उनको क्या होता है, गलत चीज़ें भी अट्रैक्ट कर लेती हैं। वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। फांसीवादी आंदोलन क्या था, इसमें हिंसा का सहारा लिया गया, डराने धमकाने की रणनीति को उपयोग किया गया, और इसके द्वारा वहाँ की जनता का तेज़ी से समर्थन हासिल किया गया। उन्होंने क्या किया, श्रमिक संघों और राजनीतिक विरोधियों पर हमला किया और मीडिया पर नियंत्रण कर लिया। मीडिया मतलब वही सब कुछ छापने लगी जो कि फांसीवादी आंदोलन के नेता चाहते थे। 1922 में क्या हुआ, मुसोलिनी ने मार्च ऑन रोम, रोम वहाँ की एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटी है, कैपिटल भी है, तो वहाँ पर क्या निकाला उन्होंने, मार्च ऑन रोम का नेतृत्व किया मुसोलिनी ने, जो कि आगे जाकर इटली के प्रधानमंत्री भी बने, फांसीवादी आंदोलन के एक तरह से जनक भी कहे जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें क्या हुआ, प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने इस मार्च का नेतृत्व किया और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मार्च जब सफल हुआ तो उनको प्रधानमंत्री भी वहाँ का बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एक तानाशाही का उदय। मुसोलिनी के रूप में इटली को क्या मिला, एक तानाशाह मिला, वो देखते हैं कैसे। प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया मुसोलिनी ने, धीरे धीरे इटली को एक तानाशाही में बदल दिया। धीरे धीरे क्या किया, इटली को तानाशाही में बदल दिया। कैसे, उन्होंने संसद को भंग कर दिया। सबसे पहला काम, संसद को भंग किया, राजनीतिक विरोध को दबा दिया, जो भी उनके विरोधी थे उनको दबा दिया या जेलों में डाल दिया, उनकी आवाज़ दबा दी, और अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया। अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया मतलब, जैसा कि रूस में हमें देखने को मिला 1917 के बाद, 17 की क्रांति के बाद, वो चीज़ यहाँ पर हुई। जो भी अर्थव्यवस्था के साधन थे उन पर, सब पर राज्य का अधिकार कर दिया, राज्य मतलब देश। उन्होंने इटली को क्या किया, एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने के लिए आक्रामक विदेश नीति अपनाई। क्या सोचते थे वो, कि एक आक्रामक विदेश नीति से हम इटली को, जो भी हमारा प्रथम विश्व युद्ध में नुकसान हुआ है, उससे भी उबार पाएंगे और एक शक्तिशाली देश बना पाएंगे, जो कि बाद में एक गलत सोच साबित हुई। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, रूस में पहली समाजवादी क्रांति का क्या कारण था। रूस में जो समाजवादी क्रांति हुई पहले वाली,
जो फर्स्ट समाजवादी क्रांति हुई उसके कारण क्या क्या थे उसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। तो रूस में क्या हुआ, 1917 में पहली समाजवादी क्रांति हुई, जिसे फरवरी क्रांति या मार्च क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि ये इन्हीं महीनों के दौरान शुरू हुई थी, फरवरी मार्च के दौरान। इसके कई जटिल कारकों का परिणाम थी, ये कई जटिल चीज़ों का परिणाम थी। इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके हम देखेंगे अभी, जिसमें से फर्स्ट प्रमुख कारण के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो था राजनीतिक असंतोष। इसके बारे में देखते हैं, ज़ार निकोलस द्वितीय जो कि वहाँ का शासक था, वो क्या हो गया था, उसका शासन निरंकुश और दमनकारी हो गया था। वो बहुत ज़्यादा दमनकारी हो गया था, लोगों की सुनता नहीं था, जो भी मन में आता था वो करता था, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी, उनके सभी हक एक तरह से छीन लिए थे उसने, और राजनीतिक दलों और स्वतंत्र भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोई भी कुछ बोल नहीं सकता था अपनी मर्जी से, जो उसको पसंद था वो बोलता था तो ठीक, नहीं तो उठाकर उनको जेलों में डाल देता था, उनको मरवा देता था। दूसरा कारण, रूस और जापान युद्ध हुआ 1904-5 में, जिसमें क्या हुआ, रूस की हार हुई, और प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण जनता में ज़ार के प्रति भारी असंतोष पैदा हो गया था। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में रूस जो शामिल हुआ था वो जीतने वाले पक्ष की तरफ से शामिल हुआ था, जो कि पक्ष बाद में जीता, बट फिर भी युद्ध में क्या होता है, चाहे वो जीतने वाला हो चाहे हारने वाला, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है, उसकी वजह से क्या था, जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष था इसके प्रति। पॉइंट नंबर टू हमारा है, सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पर, जिसके कारण उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा असंतोष था। रूस में सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत अधिक हो गई थी, देखते हैं कैसे। किसानों और मजदूरों का जीवन दयनीय था, जबकि कुलीन वर्ग क्या थे, कुलीन वर्ग मतलब जो अपर क्लास वर्ग होते थे, जैसे इंडिया में कास्ट वाइज सिस्टम होता है वैसे ही वहाँ पर अपर क्लास वर्ग होता था, उसको कुलीन वर्ग कहा जाता था। और पादरी, पादरी जो आप सभी को पता होगा जो चर्च में फादर होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। कुलीन वर्ग और पादरियों को विशेषाधिकार थे, वो क्या करते थे, युद्ध ने इन असमानताओं को और ज़्यादा बढ़ा दिया। युद्ध से क्या हुआ, गरीब लोग एक तो युद्ध लड़ने जाते थे, कुलीन वर्ग का एक भी कोई युद्ध लड़ने नहीं जाता था, पादरी लोग नहीं जाते थे, गरीब लोग जाते थे वो वहाँ मर जाते थे, और उनको उतना फिर मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। तो उसके कारण क्या हुआ, इन असमानताओं को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जिससे क्या हुआ, व्यापक तौर पर गरीबी फैली, भुखमरी पैदा हो गई, और इसी तरह की और समस्याएँ भी देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर तीन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर तीन है, नाजी दल के गठन का क्या कारण था, नाजी दल किन कारणों से गठित हुआ, और नाजीवाद का मूल तत्व क्या था, उसका मूल तत्व क्या था, उनका जो है उनकी मूल सोच क्या थी, किस सोच को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। तो नाजी पार्टी के पीछे कई कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख कारणों को हम यहाँ पर देख लेंगे। जिनमें से पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में व्याप्त निराशा और असंतोष। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में व्याप्त निराशा और असंतोष। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ठीक से तो आपको पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। सेकंड के बारे में अक्सर सब लोग जानते हैं, प्रथम के बारे में अक्सर नहीं पढ़ते हैं लोग। उसमें क्या हुआ था, जर्मनी की उसमें भी हार हुई थी, और उसमें इतने ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए गए थे जर्मनी पर कि जर्मनी ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया था, और इसी सोच से सैंक्शन लगाए गए थे कि जर्मनी दोबारा से अपने पैरों पर उठ के खड़ा ना हो पाए, जिससे कि आगे भी ऐसे युद्ध की स्थिति देखने को मिले। तो इसको देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, जर्मनी की हार के बाद देश में व्यापक निराशा और असंतोष का माहौल था। युद्ध में क्या हुआ, हार हुई, जिससे कि भारी क्षति हुई, युद्ध में जब हारते हैं तो भारी क्षति भी होती है, और ऊपर से वर्साय की संधि, जिसमें ये बहुत सारे सैंक्शंस वगैरह लगा दिए गए थे, बहुत सारा फाइन जर्मनी को देना पड़ा था, वो कहाँ पर संधि हुई थी, उसकी वर्साय में ये संधि हुई थी, उसकी बहुत ज़्यादा कठोर शर्तें थी जो जर्मनी पर लागू हुई, उसकी कठोर शर्तों ने जर्मन लोगों को अपमानित किया और क्रोधित महसूस कराया, अपमानित और क्रोधित महसूस कराया। क्यों, क्योंकि उनके देश की एक तरह से पूरी तरह से उन्होंने कमर तोड़ के रख दी थी इस वर्साय की संधि ने, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे। दूसरी चीज़ है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक तौर पर क्या हुआ वहाँ पर, क्या देखने को मिला युद्ध के बाद, जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला। 1919 से 1933 तक जर्मनी में 20 से अधिक सरकारें बनी। देखिए 1933 तक सिर्फ 14 सालों में 20 से अधिक सरकारें वहाँ पर बन जाती हैं और गिर भी जाती हैं,
तो इसके कारण क्या हुआ, राजनीतिक तौर पर अस्थिर नहीं रहा देश, जिसके कारण आगे कुछ भी करना असंभव सा लगने लगा। और इस अस्थिरता ने क्या किया, लोगों में डर और अस्थिरता के कारण क्या हुआ, लोगों में डर और अनिश्चितता की भावना पैदा होने लगी और एक मजबूत नेता की तलाश में लोग सोचने लगे कि हमारे पास एक मजबूत नेता होना चाहिए जो देश को एकजुट कर सके और व्यवस्था बहाल कर सके। यहीं से क्या होता है, हिटलर का उदय होना शुरू होता है। इसी सोच के साथ हिटलर का उदय होना शुरू होता है। हिटलर भी क्या मानता था, हिटलर क्या, वहाँ के जर्मनी के ऑलमोस्ट सभी लोग क्या मानते थे कि वर्सायी की संधि में जो भी हमारे साथ गलत हुआ है उस चीज़ को सही किया जाना चाहिए और उसके लिए दुनिया को माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे। तो वही सोच लेकर उन्होंने क्या किया, नाजी पार्टी का गठन हुआ। हिटलर ने उसी चीज़ का फायदा उठाया। तीसरा पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक समस्याएं। अब जब पूरे देश पे इतने ज़्यादा कठोर फाइन लगाए गए थे और उनकी कमर तोड़ के रख दी गई थी, तो वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होना लाजमी था। युद्ध के बाद जर्मनी में व्यापक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं थी। कौन कौन सी, बेरोजगारी, गरीबी, मुद्रास्फीति, जो कि आम बातें हो गई थी, ये चीज़ें जो कि किसी भी देश में आम बात नहीं होती है। इन समस्याओं ने क्या किया, लोगों में क्रांति और उथल पुथल का डर पैदा कर दिया और कई लोग क्या करने लगे, एक मजबूत नेता के अधीन एक व्यवस्थित समाज चाहते थे। क्या चाहने लगे कि हमारे पास एक मजबूत नेता हो जो कि हमें एक व्यवस्थित समाज दे सके, एक व्यवस्थित तंत्र दे सके हमें, जिससे कि देश को आगे बढ़ने में मदद मिले। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मार्क्सवादी समाजवाद के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। मार्क्सवादी समाजवाद के बारे में हमें बताना है, उसके सिद्धांत क्या क्या थे, किन किन सिद्धांतों पर वो आधारित था, वो चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत में पहला क्या था, वर्ग संघर्ष। ये भी कुछ कुछ वैसा ही है जैसा अभी अभी हमने जर्मनी के बारे में पढ़ा। वर्ग संघर्ष मतलब निचला वर्ग और उछले वर्ग में, निचले वर्ग और ऊपर के वर्ग में जो कि संघर्ष होने शुरू हो गए थे, वही चीज़ है। देखते हैं मार्क्स का मानना था, वो क्या मानता था, इतिहास वर्ग संघर्षों से प्रेरित है। इतिहास में जब भी हम देखते हैं वर्ग संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं। पूंजीवादी समाज में दो मुख्य वर्ग होते हैं, कौन कौन से मुख्य वर्ग बताए उन्होंने, पूंजीपति बताए एक, तो जो कि एक तरह से आम भाषा में अगर हम समझने की भाषा में बात करें तो आजकल के बड़े बड़े बिजनेसमैन या उद्योगपतियों को हम कह सकते हैं पूंजीपति, जो क्या करते हैं, उत्पादन के साधनों के मालिक, जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, हम कंज्यूम करते हैं या किसी भी तरह से हम यूज़ करते हैं, उनके सभी के मालिक वो होते हैं। और दूसरा होता है सर्वहारा वर्ग, जो क्या करता है, अपनी श्रम शक्ति बेचकर जीविका कमाते हैं। अपनी श्रम शक्ति मतलब जो कि फिजिकल वर्क करके, नौकरियां वगैरह करके अपनी जीविका कमाते हैं। पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करते हैं, ये उसका कहना था, जिससे कि क्या होता है, लाभ होता है और सामाजिक असमानता पैदा होती है। वो क्या कहता था, पूंजीपति वर्ग जो होता है श्रमिकों का शोषण करते हैं और हाई अमाउंट पर उनको चीज़ें बेचते हैं, सर्विसेज बेचते हैं, जिससे कि और ज़्यादा उनको तो फ़ायदा होता है, वो और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और सामाजिक असमानता पैदा होने लगती है, ये उन्होंने कहा। यह शोषण अंततः क्रांति का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वहारा वर्ग क्या करता है, जो निचला वर्ग होता है, वो क्या करता है, सत्ता पर कब्जा कर लेता है और एक नए समाज की स्थापना करता है, ये उन्होंने बताया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मतलब जो चीज़ जितने की होनी चाहिए उससे ज़्यादा मूल्य लिया जाए। मार्क्स का मानना क्या था कि पूंजीपति क्या करते हैं, श्रमिकों का शोषण करते हैं, कैसे, अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करते हैं उनको, जो सर्विसेज बेचते हैं, जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 रुपये की कोई चीज़ है, उसके लिए 20 रुपये लेना या 30 रुपये लेना, इस तरह से अतिरिक्त मूल्य, एक्स्ट्रा मनी उनसे लेते हैं। वे क्या करते हैं, श्रमिकों को उनके श्रम के वास्तविक मूल्य से कम भुगतान करते हैं और इस अंतर का उपयोग अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं,
एक तरफ तो जो चीज़ें बेची जा रही हैं सर्वहारा वर्ग को, क्योंकि ज़्यादातर कंज्यूमर वर्ग कौन होता है, सर्वहारा वर्ग, और काम करने वाला उन्हीं की फैक्ट्रियों में काम करने वाला, नौकरी करने वाला वही वर्ग होता है। एक तरफ तो उसको हाई अमाउंट पे चीज़ें बेची जा रही हैं और दूसरी तरफ उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा कम कर दी जा रही है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, आर्थिक असमानता और ज़्यादा बढ़ती है और पूंजीपतियों का मुनाफा भी बढ़ता है। यह शोषण पूंजीवाद की मूलभूत विशेषता है और यह वर्ग संघर्ष और असमानता का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? साम्राज्यवादी नियंत्रण को मजबूत करने के लिए संस्कृति का उपयोग किस प्रकार किया गया? साम्राज्यवादी नियंत्रण मतलब जैसे कि अंग्रेज यहाँ पर आकर उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया था एक तरह से भारत पर, उसको क्या कहते हैं? उस तरह के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए, उनको उन्हें और ज़्यादा मजबूत करने के लिए संस्कृति का किस तरह से उपयोग किया, किस तरह से उन्होंने फायदा उठाया, इस बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो साम्राज्यवादी शक्तियों ने सदियों से अपनी प्रभुता को मजबूत करने और उपनिवेशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया है? संस्कृति का इस्तेमाल किया है। कैसे किया है वो देख लेते हैं विभिन्न तरीकों से, जिनमें से कुछ प्रमुख पहलू हम देखेंगे यहाँ पर। पहला है शिक्षा और भाषा। शिक्षा और भाषा का उपयोग किया जाता है सबसे पहले, क्योंकि कहीं भी जाएंगे वहाँ की भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो पहले इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहले, पॉइंट नंबर 1। शिक्षा प्रणाली पर वार होता है। उपनिवेशों में क्या हुआ? शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल अक्सर स्थानीय भाषाओं में और संस्कृतियों को कमज़ोर करके उन्हें साम्राज्यवादी भाषा, उन्हें मतलब स्थानीय भाषाओं को और संस्कृतियों को कमज़ोर करके उन्होंने क्या किया? अपनी भाषाओं को वहाँ पर फैलाना शुरू किया और अपनी संस्कृति के अधीन करने के लिए काम किया। लोग आते हैं, जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि अगर हमें यहाँ पर राज करना है तो हमें इनकी भाषा और इनकी संस्कृति को थोड़ा सा कमज़ोर करना होगा और अपनी भाषा और संस्कृति इन पर थोपनी होगी, इनको उसका गुलाम बनाना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। दूसरा है पाठ्यक्रम, सिलेबस ही चेंज कर दो उनका, जो चीज़ें वो पढ़ते आ रहे हैं अपनी संस्कृति के, भाषा के बारे में, वो सारी चीज़ें चेंज कर दो। औपनिवेशिक पाठ्यक्रम अक्सर साम्राज्यवादी मूल्यों और विचारधाराओं को बढ़ावा देते थे। क्या पढ़ाते थे उसमें? साम्राज्यवादी मूल्य कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए और इनको किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए, और उनकी अपनी विचारधाराओं को बढ़ावा देते थे और स्थानीय इतिहास और संस्कृति को विकृत या अनदेखा कर देते थे। स्थानीय इतिहास को अनदेखा कर देते थे, इग्नोर कर देते थे उनको बहुत ज़्यादा। दूसरा पॉइंट आता है हमारा धर्म। धर्म के बारे में पहला पॉइंट है मिशनरी गतिविधियाँ। मिशनरी अगर आपको पता हो तो ये क्या होते हैं, जो धर्म को चेंज कराने वाले लोग होते हैं, जैसे ईसाई मिशनरीज आज भी कई कई जगह पर एक्टिव देखने को मिलते हैं। तो वही चीज़ क्या होती है, जो धर्म परिवर्तन कराते हैं लोगों का, उनको मिशनरीज कहते हैं। कई साम्राज्यवादी शक्तियों ने क्या किया, ईसाई धर्म या अन्य धर्मों को फैलाने के लिए मिशनरियों का इस्तेमाल किया। वो क्या करते थे, अपने धर्म को फैलाने के लिए लोगों के पास जाते थे और उनको उसके अपने धर्म से जुड़ने के फायदे बताते थे। धार्मिक रूपांतरण, पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है, धार्मिक रूपांतरण। ये वही चीज़ है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये मिशनरीज क्या करते हैं, जाकर अपने धर्म से जुड़ने के फायदे बताते हैं और बताते हैं आपको औपनिवेशिक समाज में किस तरह से हमारे धर्म में आने के बाद फायदा हो सकता है, और फिर उनका धार्मिक रूपांतरण कराते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। वही चीज़ है इसमें सारी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये हमसे पूछ रहा है USSR, जो कि रशिया का पुराना नाम है, सोवियत संघ को कहते हैं हम, कृषि के सामूहिकीकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। USSR में जो कृषि का सामूहिकीकरण हुआ था 1917 की क्रांति के समय, जो सामूहिकीकरण हुआ उसका हमें विवरण देना है संक्षिप्त में, छोटा सा आंसर देना है, उसको देख लेते हैं। 1920 के दशक के अंत में क्या हुआ, सोवियत संघ ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से औद्योगिकृत करने की नीति अपनाई। औद्योगिकरण मतलब एक तरफ से विश्व में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था इंग्लैंड और USA वगैरह में, तो उन्होंने भी क्या किया, सोवियत संघ ने भी उन्हीं के कदमों पर चलने के लिए एक बहुत ज़्यादा तीव्र नीति अपनाई, जिसका इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि का सामूहिकीकरण था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कृषि का सामूहिकीकरण करना शुरू किया, जिसका कारण
जिसका लक्ष्य छोटे किसानों की निजी होल्डिंग्स मतलब निजी भूमि को बड़े या राज्य नियंत्रित सामूहिक खेतों में बदलना था। और ये ऐसा क्यों करना चाहते थे? क्योंकि यदि कोई मशीनरी भी लगनी है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती थी उस टाइम पर खेतों में, जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं और भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो छोटे छोटे खेतों में कहाँ तक लगाएंगे? तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक बहुत बड़े खेत बनाए उन्होंने, जिससे कि उन मशीनों का उपयोग अच्छे से हो पाए। सामूहिकीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या थे, क्यों उन्होंने ऐसा किया, वो देखते हैं। पहला है अनाज उत्पादन में वृद्धि चाहते थे वो। जब मशीनों का उपयोग होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग होगा बड़ी बड़ी ज़मीनों पर, तो क्या होगा, अनाज उत्पादन में वृद्धि होगी, यही वो चाहते थे। सरकार का मानना क्या था, सामूहिक खेत बड़े पैमाने पर और उत्पादन आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अधिक अनाज उत्पादित किया जा सकता है। इसमें क्या हो सकता है, तकनीकों का उपयोग करके अधिक अनाज उत्पादित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर टू, औद्योगिकरण के लिए धन जुटाना। और जो दुनिया भर में औद्योगिकरण हो रहा था और भी सेक्टर्स में, उसके लिए क्या करना था, एक तरह से धन जुटाना इसका क्या था, उद्देश्य था। अनाज के अधिशेष को निर्यात करके, मतलब देश से बाहर बेच के, सरकार औद्योगिकरण के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए धन जुटाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और इसकी प्रक्रिया क्या थी सामूहिकीकरण की, पॉइंट नंबर वन देखते हैं। सामूहिकीकरण की प्रक्रिया क्या थी, प्रक्रिया जो है 1929 में शुरू हुई और 1930 के दशक के दौरान तेजी से इसको लागू किया गया, जिसमें कि सरकार ने किसानों को अपनी जमीन और पशुधन को सामूहिक खेतों में समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनको बहुत सारी बातें बोली गई कि आप इसको अपने छोटे छोटे खेतों को यदि राज्य को समर्पित कर देंगे तो इससे ये फायदा होगा, आपको वो फायदा होगा, इस तरह की बातें करके उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया। और यदि कई बार वो नहीं माने तो बल और ज़बरदस्ती का भी उसमें उपयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूरोप के दो सशस्त्र शिविरों में विभाजन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान पूरा यूरोप जो है दो सशस्त्र शिविरों में बदल गया था, मतलब दो धड़े हो गए थे यूरोप के, दो फाड़ हो गया था वो, उसके बारे में हमें संक्षिप्त विवरण देना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, यूरोप मुख्य सशस्त्र शिविरों में विभाजित हो गया। पहला क्या था, मित्र राष्ट्र। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे, इसके नेता कह लीजिए, नेता इसमें ग्रेट ब्रिटेन था, बाकी कंट्रीज और कौन कौन से थे मित्र राष्ट्रों में, फ्रांस था, सोवियत संघ था यानी कि रूस, आज का रूस जिसे हम कहते हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं उसमें रूस के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका भी था जो 1943 या 42 में वो शामिल हो गया था बहुत जल्दी, और बाद में क्या हुआ, चीन और अन्य देशों का भी इसमें जुड़ना देखा गया। विचारधारा इनकी क्या थी, लोकतंत्र चाहते थे ये, स्वतंत्रता चाहते थे और व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता चाहते थे ये। इनका लक्ष्य क्या था, नाजी जर्मनी, जो जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ था, उसको और उसके सहयोगियों को हराना और एक स्थायी शांति स्थापित करना चाहते थे ये लोग, वर्ल्ड लेवल पर एक स्थायी तरह से शांति स्थापित करना चाहते थे। दूसरा धड़ा कौन सा था इसमें से, धुरी राष्ट्र, जिनको कि हम एक्सिस पावर्स भी कहते हैं इंग्लिश में बोले तो, एक्सिस पावर्स। इसमें नेता कौन था इनका, ऑब्वियसली जर्मनी था हिटलर के नेतृत्व में, दूसरे कंट्रीज कौन कौन से थे, इटली था, जापान था और बाद में हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए थे। इनकी विचारधारा क्या थी, किस विचारधारा को लेकर ये लोग लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और अधिनायकवाद को लेकर, मतलब राष्ट्रवाद पर बहुत ज़्यादा बल देते थे, सैन्यवाद पर बल देते थे कि सेना का राज्य होना चाहिए, और अधिनायकवाद मतलब हमारा एक नायक होना चाहिए देश में, एक तरह से डिक्टेटरशिप को ये बढ़ावा दे रहे थे। इनका लक्ष्य क्या था, यूरोप और एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे ये लोग, इस लक्ष्य को लेकर ये आगे लड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। ये क्या पूछ रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद पूंजीवाद में संकट के कारणों की संक्षेप में चर्चा करनी है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद पूंजीवाद में जो संकट देखने को मिला, पूंजीवाद के कारण या पूंजीवाद में जो संकट देखने को मिला, उसके बारे में हमें संक्षेप में चर्चा करनी है, मतलब बहुत छोटा सा आंसर बताना है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवाद ने एक अभूतपूर्व आर्थिक विकास और समृद्धि का दौर देखा, जिसमें कि क्या हुआ, लेकिन 1970 के दशक में क्या हुआ, इस प्रणाली में संकट के संकेत दिखने लगे। यह संकट कई कारकों से था, जिसमें प्रमुख के बारे में हम यहाँ चर्चा कर लेंगे। पहला क्या है, तेल संकट। उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, औद्योगिकरण, गाड़ियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा सड़कों पर आ गई थी, तो तेल की मांग बहुत ज़्यादा हो गई थी, बिजली वगैरह के लिए भी और वैसे गाड़ियों के लिए भी। 1973 में क्या हुआ, ओपेक, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं जहाँ पर तेल मिलता है, उन्होंने क्या किया, अरब इसराइल युद्ध, जो अरब वर्ल्ड का और इसराइल का जो युद्ध हुआ था, जिसको सिक्स डे वॉर भी कई बार कहा जाता है, उसके समर्थन में क्या किया, पश्चिमी देशों पर तेल का प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि पश्चिमी देश क्या कर रहे थे, इसराइल का समर्थन कर रहे थे और अरब के खिलाफ खड़े थे, अरब देशों के खिलाफ खड़े थे, तो उन्होंने क्या किया, पश्चिमी देशों पर तेल आयात के लिए प्रतिबंध लगा दिया, उनको तेल बेचना बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई और जिससे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई। उससे क्या हुआ, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या देखने को मिला हमें, वैश्वीकरण में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमें क्या देखने को मिला, ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ा, जिससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में बहुत ज़्यादा वृद्धि हमें देखने को मिली, बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। इसने पूंजीवादी देशों के लिए नए बाजार और अवसर खोले, लेकिन इसने क्या किया, घरेलू उद्योगों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव भी बनाया। क्यों, क्योंकि पूंजीवादी देश जो थे ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज थे, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो, पश्चिमी देश जो थे, पाश्चात्य देश, उनमें क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा अमीर थे इंडिया के मुकाबले, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएँ थी, देशों के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, और वो यहाँ पर जब आए ग्लोबलाइजेशन के बाद, इंडिया जैसी कंट्रीज़ में आए, एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ में जब वो आए, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ के जो स्थानीय जब बाज़ार था, वो वहाँ के प्रोडक्ट्स का मुकाबला नहीं कर पाया, उस पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा, और कई विकसित देशों में विनिर्माण नौकरियां जो थीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की जो नौकरियां थी, वो क्या थी, कम लागत वाले देशों में चली गई। कम लागत वाले देश मतलब जो गरीब कंट्रीज़ थे, बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ की यहां पर बात हो रही है और अरब कंट्रीज़ की, वहां पर क्या हुआ, उन कंट्रीज़ में चली गई वो नौकरियां, और उन्होंने क्या किया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है एशिया में बहुत सी कंट्रीज़ में लगाएं, जैसे कि आज चाइना में भी आपको देखने को मिलता है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर हैं जो उसी टाइम की लगी हुई हैं, अब धीरे धीरे हालांकि हट रही हैं। उन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने बेरोजगारी और सामाजिक अशांति वहाँ पर पैदा की, विकसित देशों में और विकासशील देशों में भी इसमें बहुत ज़्यादा इनका बहुत ज़्यादा हाथ था। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, आई होप आप सबको समझ आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस क्लास के पेड नोट्स आपको हमारे रजिस्टर नंबर पर मिल जाएंगे, आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।